भगते भई जे भक्ति काए को नमाए, स्तुति को चारि है। धन्य धन्य तुमई से काज सब आज भय कर जोड़ी बारंबार, वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतो, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण शावकाचार्य ग्रंथ है ये। इसमें पहला अधिकार सम्यक दर्शन का है ना। ग्रंथ की रचना करीब 1700 वर्ष पहले आचार्य सुमंत भद्र, बहुत तार्किक विद्वान, बहुत चारित्र में बहुत दृढ़ता, भले घटना ऐसी घटी है उनके जीवन में, परंतु उत्कृष्ट चारित्रवंत, उन्होंने ये पहला ग्रंथ मुनि के द्वारा श्रावकाचार्य लिखा। मुनि के द्वारा श्रावकाचार्य, बहुत से श्रावक हैं जिन्होंने मुनि के आचार्य के ग्रंथ लिखे। जैसे कौन है? नियमसार मुनि के द्वारा लिखा। कौन आचार्य? ए पंडित आशाधर जी हुए हैं जिन्होंने अनगार धर्मामृत लिखा है। अनगार धर्मामृत लिखा है प्राकृत भाषा में, ग्रस्त पंडित ने लिखा है। और ये बहुत पुराने आचार्य हैं, श्रावकाचार्य, श्रावक के आचार पर ग्रंथ लिखा। इतना पुराना, पहले संस्कृत का श्रावकाचार है, ऐसा समझ में। उसमें पहला सम्यक दर्शन का अधिकार है। पहले मांगलिक करने के बाद कैसा मांगलिक किया? नमः श्री वर्धमानाय, उनको वंदन करके इसके बाद दूसरी गाथा में थोड़ा, देखो अपन रोज रिपीट करते हैं, ये कमल जी रोज रिपीट करते हैं, दो चार छह दिन और करेंगे, समझ में आया। उसकी मांगलिक पहली गाथा के बाद दूसरी गाथा में धर्म कहे चार, याद है ना? चार धर्म। सबसे पहले वस्तु का स्वभाव धर्म, दूसरा दस लक्षण धर्म, तीसरा रत्नत्रय धर्म, और चौथा दया धर्म। दया भी धर्म है वास्तव में, ये तीन आखिरी के है ना, सब व्यवहार से है, क्योंकि सब भेद रूप है। दस मन दस धर्म, रत्नत्रय में तीन, और दया तो स्वभाव ही है, और सब व्यवहार से कथन किया। इसके बाद है, हाँ कहो ना, वो जो अणुव्रत और महाव्रत की बात आती है ना, तब फिर उसमें कहते हैं कि अहिंसा अणुव्रत और अहिंसा महाव्रत। ये तो सामान्य श्रावक भी दया पाले तो कहते धर्मात्मा है, ऐसा इस अपेक्षा से कथन है। हाँ है क्या? हाँ, किसमें? वो अलग बात, वो परीक्षा के हिसाब की बात है। वो यहाँ तो दया धर्म, दया राग है, और राग को धर्म कहना ये व्यवहार नहीं का कथन है। और ये रत्नकरण श्रावकाचार्य चरणान योग का ग्रंथ है, पूरा ग्रंथ व्यवहार नहीं का कथन करता है, तो धर्म का कथन भी व्यवहार नहीं से कहा। अब एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी श्रावकाचार है, और वहाँ बताए राग को हिंसा कहा है,
राग को हिंसा कहा है वहां, क्यों राग को हिंसा क्यों कहा? यहाँ राग को धर्म कहते, वहां राग को हिंसा कहते, शिवराग को। इसलिए कि जब राग की उत्पत्ति होती है तो अपना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव दृष्टि में नहीं रहता है, वो उसकी हिंसा है। इस अपेक्षा से बात की है, सब अलग अलग तरह से बात है। ऐसे चार धर्म कहे, कौन से? वस्तु स्वभाव धर्म, दस धर्म, रत्नत्रय धर्म और दया धर्म, चार। अब इसमें से तीसरी गाथा में वस्तु स्वभाव धर्म ये बात से उठाई और कहा कि ऐसे वस्तु स्वभाव की दृष्टि करने से पर्याय में रत्नत्रय धर्म प्रकट होता है। क्या होता है? प्रकट पर्याय में रत्नत्रय धर्म। तो रत्नत्रय क्या चीज है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। काय के आश्रय से हुआ? वस्तु स्वभाव का आश्रय करने से। चार धर्म में रत्नत्रय इधर कहा, कैसे प्रकट किया? कि वस्तु स्वभाव का आश्रय करने से। चार में से एक रत्नत्रय पे आ गए, रत्नत्रय में तीन, उसमें से एक लिया, एक लेते हैं। कौन सा? पहला सम्यक दर्शन। असम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन क्या चीज है? कि आप्त आगम और गुरु माने देव शास्त्र गुरु। आप्त माने देव, आगम माने शास्त्र और गुरु माने गुरु। तो इनके आश्रय से, क्योंकि ये चरणानियोग का ग्रंथ है ना, तो इस चरणानियोग में के ग्रंथ में कहेंगे कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ये सम्यक दर्शन है। तो वो सम्यक दर्शन जो रत्नत्रय में से लिया था, उसमें उस सम्यक दर्शन में ये परिभाषा निकाली, तो आप्त आगम और गुरु इसका श्रद्धान सम्यक दर्शन है। अब जैसे वो रत्नत्रय में एक लिया था ना पहला सम्यक दर्शन, ऐसे आप्त आगम पदार्थ में आप्त लिया, समझ में आप्त लिया। तो आप्त माने देव, तो आप्त को कैसे परिभाषित किया? कि आप्त कैसे होते हैं? कि निर्दोष माने वितराग, निर्दोष राग, तो निर्दोष माने वितराग, जो अपने सामान्य में है ना, सर्वज्ञ वितराग और हितोपदेश, के निर्दोष है माने वितराग है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है। ये तीन बात कही, रत्नत्रय में एक लिया सम्यक दर्शन, फिर देवशाल गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन, उसमें से एक लिया, क्या लिया है? आप्त लिया। अब आप्त के तीन लक्षण कहे, निर्दोष, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, इन तीन में से भी पहले नंबर का। देखो स्टाइल, देखो समय से पहले नंबर का ले रहे, तो निर्दोष लिया। तो निर्दोष कौन होते हैं? कि आप तो निर्दोष होते हैं, पर निर्दोष का लक्षण क्या? कि 18 दोष से रहित होते हैं। है समझ में? 18 दोष में पहला दोष लिया छुदा, उसके ऊपर उन्होंने संप्रदाय के 15 पॉइंट लिखे है और ये सिद्ध किया है कि जो श्वेतांबर मत में केवली भगवान को वो कवलाहार कहा जाता है, कवलाहार समझे, हाथ से, ऐसा सर्वज्ञ भगवान को ये बात संभव नहीं है। क्योंकि पहला दोष है ना क्षुदा, क्षुदा तरसा, ये नंबर एक दो पे लिए हैं और सारा जगत इनके इन दोषों के पीछे पागल है। बोलो कमल जी, है कि नहीं? है कि नहीं? आदमी दुकान से घर से लेट आए तो स्त्रियां चिल्लाती है कि और जल्दी जल्दी खाए, तो फिर भग जाए दुकान पर, सीजन हो तो कि 5 मिनट खाने का टाइम नहीं है, काय के लिए करते हो, इतनी मेहनत करते हो, ये करते हो, दौड़ धूप करते हो, तो उसको पता है कि वो नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या। तो ऐसे सारा जगत इस दोष के, वो समझता है गौ और है दोष, समझ में? निर्दोष आप्त है, देव है, उनमें वो 18 दोष से रहित, पहला दोष क्षुदा। तो क्षुदा के ऊपर बहुत व्याख्यान इसमें सदा सुखदास जी ने लिखा है, ऐसे समझ में? ऐसे इतनी बातों में देखो, अब थोड़ा क्रम याद रखना कि कितनी कितनी आई, और उसमें पहले पहले लिए, कहीं भी दूसरा नहीं लिया,
पर अब दूसरा लेते हैं। कहाँ से लेंगे, कौन सा मुख है कि दोष दोष तो मुख्य नहीं, एक में तुम सब संभालोगे, पर देव शास्त्र गुरु का जो श्रद्धान है सम्यक दर्शन, उसमें देव के बाद शास्त्र लेते हैं। तो ऐसी नौवीं गाथा है, देखो आठ गाथा अपनी पूरी हो गई है। देखो पेज नंबर है 17। इस प्रकार ऊपरी है, इस प्रकार आप्त का स्वरूप चार श्लोकों में कहा, और सच्चे आगम का लक्षण कहते वाला श्लोक कहते हैं। दूसरा नंबर, सम्यक दर्शन का जो विषय आप्त आगम और गुरु है, उसमें आप्त की बात कहके कि आप्त के तीन लक्षण, उसमें पहला निर्दोष, उसके 18 दोष से रहित, उसमें क्षुधा की विस्तार से बात की। इतना विषय हुआ आप्त के बारे में। अब आगम, आप तो प्रज्ञानुलंघ दृष्ट दृष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कथम सार्व शास्त्र का पथ घटनम। शास्त्र उसे कहते हैं, देखो शास्त्र शास्त्र उसे कहते हैं जो सर्वज्ञ वीतराग का कहा हुआ हो। क्योंकि अपन ने पहले दिन या दूसरे दिन ही ये बात निश्चित की थी कि जगत में सत्य वक्ता कौन है, कौन होता है, हम कैसे कहें कि इस आदमी के वचन सत्य है। उसके दो लक्षण है, एक तो सर्वज्ञ हो। सर्वज्ञ क्यों हो, कि जो खुद ही नहीं जाने तो कहेगा क्या तुमको, जो खुद ही नहीं जाने, सर्वज्ञ नहीं है तो खुद ही के उससे पूछोगे भाई वो क्या चीज़ है कि मुझे पता नहीं है, तो क्या बताएगा, जो खुद को ही पता नहीं हो तो सर्वज्ञ हो। फिर वीतराग हो, वीतराग हो तो क्यों, वीतराग की क्या जरूरत है, सर्वज्ञ है तो बता देगा, पर वीतराग होगा तो आपको नहीं बताएगा, उसके घर वालों को बताएगा जिनके प्रति राग है, वीतराग हो तो सबको बताएगा। हाँ कमल जी, इसलिए दो गुण चाहिए उसके लिए, वीतराग और सर्वज्ञ। ये कहा सर्वज्ञ वीतराग का कहा हुआ हो, किसी वादी प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सके। देखो इसमें बहुत बात करने वाले हैं, आप्त के बारे में कितनी बात करने वाले हैं देखना। जो सर्वज्ञ वीतराग का कहा हुआ हो, किसी वादी प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन नहीं, कोई उसको तर्क से काट नहीं सके, गलत सिद्ध नहीं कर सके उसको, ऐसा उल्लंघन नहीं किया जा सके। तीसरा, दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष, इष्ट अर्थात अनुमान द्वारा जिसमें विरोध नहीं आवे, किसी प्रकार का विरोध जिसमें नहीं आए। चौथा, तत्व अर्थात जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा कथन उपदेश करने वाला हो। कथन माने उपदेश, जैसा वस्तु है वैसा कहे, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहे, अन्यथा नहीं कहे, अन्यथा माने विरुद्ध नहीं कहे, अधिक नहीं कहे, अल्प नहीं कहे, कुछ नहीं कहे, जैसा है वैसा कहे, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही कथन उपदेश करने वाला हो, सर्व जीवों को हित रूप हो, ऐसा कहे कि किसी जीव को कोई फायदा ना हो तो उस वतन उस उपदेश का क्या फायदा है, तो सर्व जीवों को हित रूप हो, ये पांचवा हुआ। तथा कुमार्ग अर्थात मिथ्या मार्ग का निषेध करने वाला हो। अभी देखो अपन ने अभी समयसार में भी देखा, अष्टपावड़ में भी देखा था, पंचास्तिकाय में भी देखा, सब ग्रंथों में पहली एक दो गाथाओं में वो सब अन्य मतों का निराकरण किया जा गया है, सब ग्रंथों में किया जाता है। क्योंकि ये तो सुनने वाले पढ़ने वाले के ज्ञान में ये बात पहले बैठना चाहिए कि इन जो मैं पढ़ रहा हूँ इसके अलावा सत्य दुनिया में कहीं नहीं है, और जितने सत्य कहे जाते हैं यथार्थ में एक भी सत्य नहीं है, ऐसा तो पहले बैठना चाहिए है? हाँ लेके आता है, पर अभी तो सुनने के पहले उसको विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय का भी कहा था ना, कि कब अपने अपने विवेक से ये तुमको निर्णय करना पड़ेगा कि मुझे किसका सुनना है,
कहाँ सुनना है, कहाँ बैठना है, ये आपको निर्णय करना पड़ेगा। और हाँ कहेंगे वो तो सब अपनी बात कहेंगे, पर आपको निर्णय करना है कि कौन की बात में सच्चाई है, ये अपने को निर्णय करना पड़ेगा, दूसरा कोई निर्णय नहीं, क्योंकि सब तो अपनी अपनी बात सुनाने वाले, सर्वज्ञ देव भी अपनी बात सुनाने वाले, आपको निर्णय करना कि इनकी भी क्या करें। हाँ लिखा है मोक्ष प्रकाशक में परीक्षा प्रदानी होना, परीक्षा करके ग्रहण करना, आज्ञा प्रधानी नहीं है कि नहीं, व्यवहारवासी के चार भेद में आज्ञा प्रधानी का है कि नहीं है। हाँ परीक्षा रहित आज्ञा प्रधानी, हाँ वो ऐसे आखिरी छठा पॉइंट था ये, कुमार्ग अर्थात मिथ्या मार्ग का निषेध करने वाला हो। इस प्रकार छह विशेषणों सहित शास्त्र का स्वरूप कहा, आगम का स्वरूप कहा। यहाँ ऐसा अभिप्राय जानना कि वर्तमान में काल दोष के निमित्त से मिथ्या मार्गी बहुत उत्पन्न हुए हैं, झूठा मार्ग विपरीत मार्ग उसके कहने वाले बहुत हुए, जिन्होंने अपना अभिमान और विषय कषाय का पोषण करने के लिए, देखो क्या कहते हैं, अरे सोचो जरा, जितने भी दुकानें धर्म के नाम से संसार में है, वो सब कोई ना कोई कषाय के पोषण के लिए है, और वो कषाय पोषण के पीछे खुद के विषय कषाय है, समझ ये दो चीजें कही, अपना अभिमान और विषय कषायों का पोषण करने के लिए अनेक खोटे उपदेश देने वाले शास्त्र रचकर जगत को सच्चे मार्ग से भ्रष्ट कर दिया है। ये इतना स्पष्ट तो टोडरमल जी ने भी नहीं लिखा है, कल भी देखा था ना अपन ने श्वेतांबर मत के बारे में जो आया था, ये देखो कितना कितना कड़क था, देखो कहाँ था, हाँ लगाया था ना महा, ये देखो 14 पेज पर है बीच में। इस कली काल में जैन धर्म का सच्चा मार्ग श्वेतांबरों ने बिगाड़ दिया है, देखो कितना स्पष्ट लिखा है, 14 पेज पे है ये, एक जगह और भी है, एक जगह और है, हाँ महा लिखा है, महा लिखा है, एक ये ढूंढिया मत के बारे में लिखा था 13 पेज के सबसे नीचे। इन श्वेतांबरों में एक महाभ्रष्ट, कल पढ़ा था ना ये, इन्हीं श्वेतांबरों में एक महाभ्रष्ट ढूंढिया मती भी हुए हैं, है ये 13 पेज पे नीचे, 13 पेज पे लास्ट पैराग्राफ, कल कहा था ना ये बात कि ऐसा वचन सुन के किसी को ऐसा लगे, अरे हमको कहते हैं महाभ्रष्ट, हमको कहते हैं कि ये जो कहा था ना कि 16 पेज पे था ना, जो सच्चा श्वेतांबर जैन धर्म का सच्चा मार्ग श्वेतांबरों ने बिगाड़ दिया है, हम भी तो महावीर भगवान को मानते हैं, हम भी 24 तीर्थंकर मानते हैं, हम भी तत्वार सूत्र मानते हैं, भक्तांबर मानते हैं, हम सब मानते हैं कि नहीं, तो हमारे बारे में ऐसा लोग कहते हैं, किसी को ऐसा दुख लगे तो कहते हैं कि वस्तु स्वरूप तो यही है, दुख लगे तो भी वस्तु स्वरूप तो यही है, ऐसा इसमें आया। देखो ऐसे अपना अभिमान और विषय कषाय का पोषण करने के लिए अनेक खोटे उपदेश देने वाले शास्त्र रचकर जगत को सच्चे धर्म मार्ग से भ्रष्ट कर दिया है। ये सभी का लिखा, संसार में जितने मत चल रहे हैं वे सभी शास्त्रों द्वारा ही चल रहे हैं, क्योंकि कोई मुंह से कहे उसकी इतनी ज्यादा बात प्रमाणिक नहीं मानते हैं। ये कहो कि शास्त्र 17 पेज कि वो प्रमाण दे कि देखो इसमें लिखा हुआ है, इसमें अपनी तरफ से बात नहीं कहता हूं, इस शास्त्र का प्रमाण है, इसलिए कहा कि शास्त्र ये कहा गया, जिन्होंने अपना संसार में जितने मत चल रहे हैं वे सभी शास्त्रों द्वारा चल रहे हैं, शास्त्र बिना कोई मत है ही
नहीं, क्यों? कि उसको कुछ तो प्रमाण देना पड़ेगा कि मैं जो कह रहा हूं वो कहां है, ऐ समझ में? देखो कमल जी पढ़ो आप। अब ये अन्य मतों में क्या क्या है उसका निषेध है, किसकी बात चल रही है? शास्त्र की। शास्त्र कहां से आया, शास्त्र का वर्णन कहां से आया? के सम्यक दर्शन की परिभाषा में आप्त आगम और गुरु का श्रद्धान, उसमें से आए। याद रखना पड़ेगा थोड़े दिन तो हमसे कम। हाँ, ब्राह्मण आदि को तो वेद स्मृति पुराण की प्राण ही शास्त्र है, उनमें हिंसा की प्रधानता करके अश्वमेघ नरमेघ आदि यज्ञ तथा जीवों का शिकार समस्त जलचारी स्थलचारी जीवों की हिंसा करने में धर्म कहते हैं। देवताओं के लिए पितरों तथा व्यंतरों की तृप्ति के लिए मांस पिंड के दान को भी धर्म कहते हैं। लो, मांस पिंड को भी दान कहते धर्म कहते हैं। भवानी भैरव आदि देव भैंसा बकरा इत्यादि को मारकर चढ़ाने से और भक्षण करने से ही प्रसन्न होते हैं। ये जितने राजा महाराजा और अभी भी जितने जमींदार ठाकुर और जो है, सब के सब आज भी छोटी छोटी जगह पर दशहरे आदि के दिन बलि चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाते हैं। देवताओं को मांसाहारी ही कहते हैं, राजाओं का धर्म शिकार ही है इत्यादि कार्य की प्रवृत्ति शास्त्रों के वचन से ही चल रही है। हरिहर ब्रह्मा आदि भगवान है, परमेश्वर है, ऐसा करके हरि को तो निरंतर ग्वालों को स्त्रियों में आसक्त होकर बांसुरी बजाना, हरि माने कृष्ण, बांसुरी बजाना नाचना तथा गोवर्धन अहिर को मारकर उसकी स्त्री हरण करना अनेक न्याय अन्याय की लीला करने वाला कहते हैं। कल कहा था ना पदम जी, एक हमारे एक मित्र थे, कल तो बताया था, 8 दिन की जैन की स्वाध्याय सुनकर कहे कि कृष्ण, देखो अभी कृष्ण को मानते हैं, ऐसा नहीं कि कोई छोड़ दिया उन्होंने, अभी भी मानते हैं, तो शंका हो गई उनको कि भगवान का स्वरूप आपके यहाँ जैसा कहा है वैसा सच्चा है तो कृष्ण भगवान नहीं हो सकते हैं। जो काम वर्तमान में भी लौकिक निंद है, सरकार में भी दंडित करने वाले नियम है, उनको भगवान करे। ये क्या लिखा, दोबारा पढ़ना। ये हरिहर ब्रह्मा आदि, हरिहर ब्रह्मा आदि भगवान है, परमेश्वर है, ऐसा कह करके हरि को तो निरंतर ग्वाले की स्त्रियों में आसक्त होकर बांसुरी बजाना नाचना तथा गोवर्धन अहिर को मारकर उसकी स्त्री हरण करना अनेक न्याय अन्याय की लीला करने वाला कहते हैं। ये सब शास्त्रों में लिखा ही जगत मान रहा है, मान रहा, फिर भी कृष्ण भगवान है। और तो वो जैसे अपन जय जनेंद्र करते हैं तो वो श्री कृष्ण क्या कहते हैं, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण करते हैं। आपसे कोई करे क्या करोगे आप, जय जिनेंद्र बोलते हो, जय जिनेंद्र बोल दो मैं, जय जिनेंद्र बोलने से कुछ भी नहीं बोलना अच्छा है, जय जिनेंद्र बोलने से कुछ भी बोलना मैंने नहीं बोलना अच्छा है, क्यों? अब सोचो जरा क्यों, पदम जी सोचो, है तो जय जिनेंद्र बोलने से अच्छा है कुछ भी नहीं बोलना, ये कहा, तो कैसे अच्छा है नहीं बोलना? जय जिनेंद्र बोलना अच्छा नहीं है, क्यों? बहुत बढ़िया, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा उसके अनुमोदनार्थ आपने जय जिनेंद्र कहा है, ऐसा समझ में पदम जी, उनने जो कुछ कहा उसकी अनुमोदना के हो जाती है, आप कुछ भी कहो उन शब्दों से, भले जय जैनेन्द्र कहा। आप मुसलमान जो करते हैं ना कुछ पता है अपने को, हाँ सलाम अलैकुम, अपन जय जैन, वो उनकी अनुमोदना होती है इसमें, इसलिए मौन रहना अच्छा है, कुछ भी नहीं बोले,
जय जिनेन्द्र नहीं बोले, वो अभिवादन करे अपन नहीं बोले कैसा? कौन आपको क्यों अभिवादन कराना है? वो तो अपने भगवान का अभिवादन कर रहा है, जय श्री कृष्ण बोलकर भगवान के भगवान का आपका क्या कर रहा है? अरे ये सब लौकिक व्यवहार है, ये तो भगवान का नाम लेते हैं। वास्तव में तो जब शुरू में स्वाध्याय भवन में ये बात की निषेध की थी कि स्वाध्याय भवन में जय जिनेन्द्र नहीं करना, मंदिर में जय जिनेन्द्र नहीं करना, क्योंकि आप जय जिनेन्द्र बोल रहे हो पर सामने वाले का अभिनंदन करके कह रहे हो, तो भगवान के सामने किसी का अभिनंदन नहीं करना होता है, इसलिए जय जिनेन्द्र नहीं। कुछ भी मत बोलो ना, कुछ भी मत बोलो आप, अभी जरा कहो ना तो लोगों को आग्रह वाले बहुत है ना, तो ऐसा लगता है क्या है, पर जरा विवेक से सोचो तो सही। तो आपने जय जिनेन्द्र उसका अभिवादन करने के लिए कहा है, और भगवान जहां साक्षात है वहां कहा है, समझ? तो उसने गलत काम किया तो आप उसकी अनुमोदना कर रहे, इसलिए जैनी को बहुत विवेक होता है। हाँ चुप रहो, क्या तो सही चार बार चुप रहो ना, कुछ मत बोलो। हाँ वो लगेगा कि ये तो बोलता ही नहीं, तो अगली बार से वो भी नहीं करेगा, तो बच गया कि नहीं? देखो हाँ, तो संसार का तो नशा उतारना ही है, संसार का नशा उतारना ही है। हर जो शिव उसके आधे शरीर में स्त्री के आकार की कल्पना, भस्म लगाना, अनेक हत्याएं करना, सांप को प्राप्त करना, त्रिशूल आदि आयुध रखना, लोक का, ये तो सब कल बात आई थी, जो आयुध आदि रखते हैं वो डरपोक है, और स्त्री आदि रखते हैं वो विषय काम वाले हैं। क्या ये तो क्या है, रूप बदलते रहते हैं ये असली, तो महावीर स्वामी के जीव मारीच था 363 मत चलाए, आज तक है वो, और वो मोक्ष चले गए चला गया। कौन फिर महावीर स्वामी के पेट? ये तो व्यंतर आदि देव है, ये बहुत से काल्पनिक है, बहुत से देव है। हाँ हाँ ये महावीर स्वामी के पहले के भी हो सकते हैं और पहले के भी हो सकते हैं। कृष्ण महावीर स्वामी के पहले के हैं, राम कृष्ण सब, वो तो अपने हाँ नेमिनाथ भगवान के टाइम के कृष्ण है, और मुनि सुब्रतनाथ भगवान के टाइम के राम है, तो पहले हुए कि नहीं? पहले के है सब। ऐसा आश्चर्य लगता है। हाँ देखो, हाँ त्रिशूल आदि आयुध रखना, लोक का संहार करना, ये सभी बातें शास्त्रों में लिखी होने से ही जगत के लोकाग्र मानते हैं। शिव के लिंग को पार्वती की योनि में रखे हुए को लगातार जल द्वारा सींचना, कचरा तुरा चढ़ाना इत्यादि, एक आग धतुरा, वो वहाँ जाओ क्या महाकाल मंदिर के सामने, ये ऐसे हरे हरे वो फूल, वो सब वो शिव जी के वहाँ स्त्रियाँ शिवलिंग पर जल पानी वो क्या दूध वो सब चढ़ाती है। देखो कितना अविवेक, माने सीमा है कोई अविवेक की, वो सब धर्म के नाम पे होता है। हाँ अरे और तो एक ये 92 की बात है, जब मैं वहाँ सिटी का डिविजनल इंजीनियर था, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े चीफ सेक्रेटरी लेवल के आदमी थे, बहुत सीनियर आईएएस थे, और वो ऑफिस में आए तो उनको सब इंस्पेक्शन करना था, तो गए तो उनने को किसी ने कहा कि यहाँ एक प्रतिमा है, कौन है, काली माता है कौन है पता नहीं, वो तो शराब पीती है, काल भैरव शराब पीती है, तो उनको इतनी जिज्ञासा हुई कि शराब मंगाई कि वहाँ जाना है, और वहाँ अपने हाथ से और फिर देखे वो पी गई मूर्ति, तो ऐसा चमत्कार तो हमने कभी देखा नहीं।
ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े जो देश को चला रहे हैं, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर का चीफ सेक्रेटरी के बराबर का था, एक विभाग हिंदुस्तान का उसके पास था, और ऐसे मूर्ख बनते हैं बताओ इसे। हाँ वो ये समझने की क्या है कि शराब कैसे पी, मूर्ति कैसे शराब पी सकती। हाँ अरे वो सब सब हो जाता है। हाँ जल द्वारा सींचना, आग धतूरा चढ़ाना इत्यादि समस्त बातें शास्त्रों में लिखी होने से ही जगत में अनेक मनुष्य ऐसी प्रवृत्ति को ही धर्म जानकर सेवन करते हैं। ब्रह्मा को समस्त सृष्टि का कर्ता और पितामह कहते हैं। इसी ब्रह्मा को अति कामी होकर अपनी ही पुत्री से भोग करके भ्रष्ट हुए भी कहते हैं। यही ब्रह्मा उर्वशी नाम की अप्सरा पर मोहित होकर अपने 4000 वर्ष की तपस्या के फल से 4 मुख बनाकर उर्वशी नाम की अप्सरा पर मोहित होकर अपने 4000 वर्ष की तपस्या के फल से 4 मुख बनाकर उर्वशी को देखकर तब से भ्रष्ट हुआ और उर्वशी के साप को प्राप्त किया। ये सब बात है। जिन जिन को दूर का चश्मा लगता है ना, वो चश्मा लेके आना कल से। नहीं वो लाइट दिखा रहा हूँ, डीम दिख रहा है। अच्छा नहीं नहीं वो एक मैं तो जनरल बात कह रहा हूँ, क्योंकि दूर में कभी अपने से गलती हो सकती है। जिनको चश्मा लगता है वो गलत पढ़ सकते हैं, तो अल्लाह है या सरकारी चश्मा ले। नहीं ये जो लाइट है इससे लाइट दिख रहा है, ये जो लाइट है ना। हाँ इससे लाइट दिखता है, इसको बंद कर दो ना। करो करो 5 के 7-8 है, जो लगे उठा के देख। और उसी को देखकर तब से भ्रष्ट हुआ और उसी के साप को प्राप्त किया। ये सब बातें उन्हीं के शास्त्रों में ही लिखी है। किसकी बात चल रही है? शास्त्र की। जितने अन्य मत कुधर्म आदि चलते हैं वो शास्त्र के आधार से चलते हैं, ये बात कहना है इसमें। उनके शास्त्रों में लिखी है ये बात। जगत है भगवान ने ऐसा करते थे, अन्य मनुष्य तो करे क्यों नहीं करेगा। युगल जी नजाम ने एक प्रवचन में कहा कि शराब तेरे को पीनी है, भांग तुझे खाना है, तो तूने शिवजी को भांग खिला दी कि रोकने वाला कौन। अब शिवजी भांग खाते हैं, कौन है शिवजी? शिवजी है ना, कौन है वो भांग खाते हैं, उनको उनका भांग से श्रृंगार होता है, तो अब इसको खाना है और उनका श्रृंगार कर दिया, उनको खिला दी, अब जगत में इसको खाने से कौन रोकता है। मैंने इसको खाना था, खिलाई उनको, क्योंकि मैं बिना रोक टोक खाऊं, ऐसा है। इसीलिए कहा कि जैन हाँ बताओ तो सही, भांग खिला है, प्रसाद है, प्रसाद है वही तो श्रृंगार करते हैं भांग का। बताओ जो स्पर्श करने लायक नहीं है, ऐसा समझ में। जगत की रचना करने वाला और पालन करने वाला भगवान नारायण को कच्छ मच्छ सुकर सिंह आदि अनेक अवतार धारण करने वाला, राक्षसों का नाश करने वाला उन्हीं के शास्त्रों में ही लिखा है। हनुमान को बंदर, गणेश को हाथी के मुंह वाला, चूहे पर सवारी करना और लड्डू खाने में अतिरागी होना, अतिरागी होने वाला। देखो क्या लिखा है मोक्ष प्रकाशक में, तो पंडित जी ने लिखा है कि कई तो व्यंतर नीच जाति के देव है कई, और कई तो जिनकी सत्ता नहीं है ऐसे काल्पनिक है। कई कई जो है जैसे धनेन पद्मावती वगैरह आदि है ना, ये तो व्यंतर नीच जाति के देव है, परंतु गणेश जी नाम की सत्ता ही नहीं है जगत में। ऐसा कोई जीव होता ही नहीं है कि सर हाथी का और बाकी मनुष्य का, काल्पनिक है। और आज देवों के कैप्टन है वो, महासत्ता में है। हाँ महासत्ता है, बिल्कुल महासत्ता है। ये तो सब देखो, अरे जैनी में दिगंबर जैनी में हो गए, वो भी शादी का वो करे ना, क्या नाम है, हाँ उसमें वो गणेश जी का मंत्र पहले बोले, बताओ
ऐसी दुर्दशा तो जैनियों की है। ब्राह्मण को लाओ तो छुपारी में गिरेगा। हाँ ऐसा ही है, ब्राह्मण से अभी देखो कोई जो पुराने चले आ रहे हैं अनुष्ठान घर में पूजा आदि करने के, उनमें ब्राह्मण को बुला के पूजा करवाते हैं, जैनी लोग करवाते पूजा। अब बताओ वो देवसादगी ब्राह्मण देवसादगी जी की पूजा करेगा कि गायत्री मंत्र गाएगा? और संस्कृत प्राकृत होता है ये समझता नहीं मूर्ख कि क्या पड़ गया मेरी तो पूजा होगी, ये समझता है। सारे जैनी गणेश जी की पूजा करते दुकानों पे। हाँ वही तो कहा ना, ऐसा ये सब भ्रम, ये सब भ्रम नाश होने वाला है ऐसे। हाँ हाँ तो नहीं है ना, तो नहीं है तो मत करो, उसमें क्या है। चूहे पर सवारी करना तथा लड्डू खाने में अतिरागी होना आदि भी उन्हीं के शास्त्रों में ही लिखा है। जीवों को मारना, जीवों को मारकर देवताओं को प्रसन्न करना, बावड़ी खुदवाने में बड़ा धर्म होता है, ऐसा उनके शास्त्रों में ही लिखा है। चलो रानी भाई पढ़ो। वहाँ कौन जीव का ख्याल है, उनको तो ये लगता है कि इसको मारूंगे तो मेरे स्वार्थ की पूर्ति होगी, बस ये है। वहाँ कौन की हिंसा है, कौन का क्या है? आज संसार में ये दशा है, इतना क्रूर क्या कहते हैं, क्रूर परिणाम। अपने 5 रुपए का फायदा हो तो सामने का 5,000 का नुकसान हो तो आंखें बंद कर लेता है वो, होने दो मेरे तो 5 रुपए का फायदा है। बोलो है कि नहीं, संसार में ये प्रवृत्ति है कि नहीं? उसके 5,000 का नुकसान अनदेखा कर देखता है। अनदेखा करने वाला अगले भव में ही 3 इंद्रिय होगा, क्यों? आंख रहित हो जाएगा, क्यों अनदेखा करता था ना, समझ ली? आंख रहित 3 इंद्रिय जीव होते हैं, हो जाएगा। श्वेतांबरों में अनेक कल्पी शास्त्र बनाए हैं, उनका समस्त धर्म विरुद्ध आचरण शास्त्रों से ही प्रवर्त रहा है। इस कलिकाल में भेजदारियों की पूजा, कुल देवता की पूजा, क्षेत्रपाल आदि व्यंतरों की पूजा, पद्मावती चक्रेश्वरी इत्यादि देवियों की पूजा तथा अनेक मिथ्या प्ररूपनाएँ तर्पण आदि शास्त्रों में लिखे हैं, इसीलिए चल रहे हैं। अन्य भील मलेच्छ मुसलमान आदि सभी के अपने अपने मत के शास्त्र हैं। दाता देखो, अभी तो ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में लिखा है कि मुसलमान की छाया पड़ जाए तो नाना चाहिए, ऐसा लिखा थे। इसीलिए भी है ज्ञानानंद श्रावकाचार्य ने छोटे शब्दों में इतनी कड़क बातें, उसमें जो विशेष कर कि श्रावक किसके साथ व्यापार करता है और कैसा व्यापार करता है, ऐसे 2 प्रकरण है। ज्ञानानंद श्रावकाचार्य कौन ने लिखा? ब्रह्मचारी रायमल्ल जी ने, रायमल्ल जी, राजमल जी नहीं, रायमल्ल जी ने, हाँ ऐसा लिखा। हाँ है ना, लर में लिखा है। और इतनी भद्र, इतनी मैंने बात करने में सब में इतनी अच्छी, वो परिवार की महिलाएं और पुरुष, और वो कहे जिनको देख के आप स्वप्न में नहीं सोच सकते हो कि ये नॉन वेज खाती होगी, वो कहे कि हमको खाना पड़ता है, हमारे धर्मगुरु की आज्ञा है। अब बताओ ऐसी दशा है संसार में, और फिर भी अपन ऐसे जैन उच्च कुल में जहाँ वीतराग मिले, उनकी वाणी मिली, गुरु मिले, और हम फिर भी बात को पसंद नहीं करते हैं, तो इससे बड़ा अभागा हमारे जग समान कौन है जगत में, कौन है इस जगत में अभागा? अभागा कौन है? वो मिले हैं उसकी अपेक्षा से हमारे बड़ा से बड़ा भाग्यवान कौन है? वीतरागी देवसाद गुरु मिले इस अपेक्षा से हमारे से बड़ा भाग्यवान कौन है? और हम उनकी बात नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, तो हमारे से बड़ा अभागा कौन है इस जगत में? 2 ही है। अरे सब अभी के हैं, सारे अभी के हैं ये तो। हाँ
शास्त्रों के आधार से ही अनेक पाखंड, खोटे भेष, मिथ्या धर्म चल रहे हैं। अतः परीक्षा प्रधानी होकर अच्छी तरह परीक्षा करके शास्त्रों को स्वीकार करना, पहले कहे छह विशेषणों सहित को ही आगम मानना। प्रथम तो सर्वज्ञ पहले कहे, कौन से छह? वो सबसे पहले कहे थे वो, हाँ नहीं, हाँ गाथा की बात कहे थे वो। प्रथम तो सर्वज्ञ वितरागी का कहा होना चाहिए। सर्वज्ञ के सिवा दूसरा कोई अपने इंद्रिय जनित ज्ञान से जीव, अजीव, अतिंद्रिय, अमूर्तिक पदार्थों का कथन नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकता है? जानते ही नहीं है। हाँ, क्योंकि जो छद्मस्थ है उसके ज्ञान में ये यथार्थ भासते नहीं है, तो कैसे कहेगा उनको? पाप, पुण्य आदि अदृष्ट पदार्थों का व परमाणु वगैरह सूक्ष्म पदार्थों का कथन कहाँ से करेगा? स्वर्ग नरक की पर्यायों को और स्वर्ग नरक में उत्पन्न हुए सुख के कारण अनेक संबंधों को अनेक संबंधों को कैसे जानेगा? मेरु कुलाचल आदि का कथन कैसे करेगा? ये क्यों, ये यहाँ तो तुम देखना चाहो तो भी नहीं दिखते हैं ये। जीवादि द्रव्यों की अनंत पर्याय हो गई है, आगे भी अनंत पर्याय होगी, तथा अनंत द्रव्यों के गुण और उनकी अनंत पर्यायों का एक समय में एक साथ होने वाले परिणमन का क्रमवर्ती इंद्रिय ज्ञान का धारी कैसे कथन कर सकेगा? अतः सर्वज्ञ के बिना इंद्रिय जनित ज्ञान वाले के द्वारा आगम का कहना यथार्थ नहीं बन सकता। सच्चे आगम का कथन सर्वज्ञ से ही बन सकता है। वाह, देखो क्या कहते हैं, किसका कथन? आगम का कथन तो सर्वज्ञ के द्वारा बन सकता है, अन्य से नहीं बन सकता है। सर्वज्ञ और वितरागी ओ यदि राग देश वाला अपने अभिमान को पुष्ट करने की इच्छा वाला, अपनी विख्यातता फैलाने का इच्छुक तथा विषयों का लोभी वक्ता होगा तो सत्य स्वरूप नहीं कह सकेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि वो तो जो श्रोता को पसंद है वो कहेगा, क्योंकि उसको तो ताली बजवाना है, उसको तो सम्मान कराना है, तो उनकी उनकी मान्यता के विरोध करेगा, विरोध में कहेगा तो उसका सम्मान कौन करे? उनकी हाँ में हाँ लगाने वाला वो होता है बस, क्योंकि उसको पसंद कराना है, खुद को पसंद कराना है। अतः सर्वज्ञ वितरागी के द्वारा कहे गए आगम ही प्रामाणिक हैं। वाह, जिन आगम में वादी प्रतिवादी द्वारा दिखाए दोष हो वह आगम प्रामाणिक नहीं है। इसीलिए वादी प्रतिवादी जिसका उल्लंघन नहीं कर सके, बाधा नहीं दे सके, ऐसा अनुलंघ्य ही आगम कहलाता है। अनुलंघ्य माने जिसका कोई उल्लंघन ना कर सके। जिन आगम में प्रत्यक्ष तथा प्रथम, वो तो अधिकार चल ही रहा है ना उसमें, जिन आगम में प्रत्यक्ष तथा अनुमान से बाधा नहीं आवे वही आगम प्रामाणिक है। जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण से बाधा आ जावे वह आगम प्रामाणिक नहीं है। अभी आ गया ना सब, आठवें कलश में सब आया कि नहीं? आठवें कलश की जो टीका लिखी, कलश की टीका लिखी गई है, आगम नहीं आया समझ में? आठवें कलश पर जो टीका संकृत लिखी गई है जिसमें आत्मा के अधिगम के तीन उपाय कहे थे, प्रमाण, नय, निक्षेप, उसमें सब बात आई थी। याद रखना, आठ में कर, भूल जाए तो याद आ जाए तब दोबारा पढ़ लो, उसमें सब रिफ्रेश हो जाता है। जिन आगम से स्व और पर का निर्णय नहीं हो सके, जिस आगम में हे उपादे, कृत अकृत्य, देव कुदेव, धर्म अधर्म, हित अहित, ग्राह्य अग्राह्य, भक्ष अभक्ष का निर्णय कराने वाला सच्चा वस्तु स्वरूप नहीं कहा हो वह मिथ्या आगम है। जिसमें व्यर्थ के शब्दों में के आडंबर, लोक रंजन की असत्य कथाएं, देश कथा, राज कथा, स्त्री कथा, काम कथा, ये तो चार समझो के विकथा है ना? इसके पहले क्या कहा? देखो, चार विकथा के पहले क्या कहा?
शब्दों के आडंबर रूप लोक रंजन की असत्य कथा है। जितने जगत में उपन्यास बाजार के, रेलवे स्टेशन के, बस स्टैंड के, बुक स्टॉल पर जितने मिलते हैं वो सब इसमें आते हैं, फिर चारवी कथाओं में आते हैं। सबसे पहले आप क्यों पढ़ते हो? लोक रंजन, अपना मनोरंजन हो, दूसरे का मनोरंजन हो, इसका नाम लोक रंजन। ये लोक रंजन एकांत पाप है, चार विकताओं में आता है। लोक मनोरंजन, जनरंजन, लोक रंजन, ये सब एकांत से पाप है। और ये मन जो रंजन बाहर किसमें लगता है? आडंबर के लोक रंजन रूप असत्य कथाओं में। और यही मन का रंजन अगर अपने स्वभाव में लग जाए तो सम्यक दर्शन होता है। वो असत्य कथाओं में लगने की जगह ये सत्य स्वरूप में लगे। पदम जी क्या कहा? यहां लगे सत्य स्वरूप में लगे, असत्य कथाओं को छोड़कर, वो सारा का सारा एकांत पाप है। ऐसा समझ में? इनसे कुछ भी नहीं होता, इनसे शारीरिक मानसिक कुछ भी एक्सरसाइज नहीं होती है, सिवाय परिणाम बिगड़ने के। ऐसा समझ में? कुछ भी लाभ नहीं है। बहुत से ऐसे खेल भी हैं, स्पोर्ट्स है, जिनसे कुछ भी शारीरिक मानसिक कुछ नहीं होता है। ऐसे ही ताश, शतरंज भी ऐसे खेल है, बिल्कुल निरर्थक टाइम। घर में व्यापार करने में एक घंटे व्यापार करो पदम जी, एक घंटे व्यापार करो तो पुण्य लगेगा पाप लगेगा? पाप लगेगा। तो एक घंटे ताश खेलो, पुण्य लगेगा कि पाप? ताश खेलने में हजार गुना पाप है, व्यापार में, व्यापार में भी पाप है पर उतना नहीं। ऐसा कैसे लाए फार्मूला ये? इसलिए कि व्यापार आदि करना मजबूरी है, ताश खेलना मजबूरी नहीं है। क्या कहा? समझ में आया? तर्क से सब बात बैठती है रमेश जी। वो खेलो तो, नहीं खेलो तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर व्यापार नहीं करोगे तो रोटी आजीविका का प्रश्न आ सकता है। इसलिए उससे कई गुना पाप उसमें है। तो अब सोचो कि ऐसे ही टीवी देखना महापाप, कोई भी देखना, टीवी का मुंह देखना महापाप है, रिमोट पे हाथ जाना महापाप है। समझ में आया कमल जी? ये सब क्यों कही? ये जो लिखा है ना, शब्दों के आडंबर रूप लोक रंजन की असत्य कथाएं है, और इनके जनक चार भी कथाएं है जो आगे लिखी है। आया समझ में? हाँ। देश कथा, राज कथा, स्त्री कथा, काम कथा आदि द्वारा अनेक संसार में ही उलझाने वाली विकथाओं रूप वर्णन किया है। अब ये सिर्फ काम कथा की जगह इन्होंने भोजन कथा की जगह वो लिख दिया है, बाकी तो चार विकथा ही है। किंतु आत्मा का संसार से उद्धार करने के उपाय रूप कथन नहीं किया हो वह भी मिथ्या आगम ही है, जिसमें तत्वभूत जीव के हित का उपदेश रूप कथन किया हो ऐसा तत्वोपदेशकृत ही आगम है। जो सर्व प्राणियों का हित रूप उपदेश करने वाला हो सो ही सार्व विशेषण युक्त आगम है। जिसमें प्राणियों की हिंसा करने का कथन हो, मांस भक्षण और जल थल आकाशगामी जीवों को मारने के उपाय बताए हों, महाआरंभ का मारण उच्चाटन करने का, दूसरों का धन छीनने का, युद्ध करने का, सेना को नष्ट करने का, नगर ग्राम विध्वंस करने का, परिग्रह में, परधन में, पर स्त्री में आसक्त होने के उपायों का वर्णन किया हो वह आगम सार्व अर्थात सर्व प्राणियों के हितरूप नहीं है। नहीं है, हितरूप नहीं है वो। जो कुमार, हाँ, जो कुमार्ग का निषेध करके स्वर्ग व मोक्ष के मार्ग के उपदेश करने वाला हो का पथ पठन विशेषण सहित आगम है। जो श्रृंगार वीर रस आदि का वर्णन कर कुमार्ग में प्रवृत्ति करने वाला हो
जुआ मांस भक्षण आदि खोटे व्यसनों रूप मार्ग में चलाने वाला हो, संसार समुद्र में डुबाने के निमित्त जो रागी द्वेषी विषयी कसाई देवों की सेवा तथा पाखंडी भेजदारी गुरुओं की उपासना में लगाने वाला हो, तथा मिथ्या धर्म रूप जो कुमार्ग उसमें प्रवर्तन करने का कथन जिसमें हो वह खोटा आगम है। जो अधिक नहीं समझते हों उन्हें तो इतना तो अवश्य ही समझ लेना चाहिए कि जो वीतरागी का कहा आगम होगा उसमें रागादि विषय कसायों का अभाव करने का तथा अभाव करने का होगा, सेवन करने का या उससे लाभ मानने का नहीं होगा, तथा समस्त जीवों की दया पालने का, ये दो कथन तो मुख्य होंगे ही। इस प्रकार एक श्लोक में आगम का लक्षण कहा है। अब ये आप तो हो गया, आगम हो गया, अब गुरु की बात अगले 10 नंबर के गाथा में दर्ज आएगी। हाँ, गुरु का है। चिदानंद कई रूपाय जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यम सिद्धात्मने नमः। चिदानंद चिद रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशोध जो नमो ताई करी से। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंत महेशो, ताई प्रकाशन के निमे वंदु देव प्रभु। ये परमात्म प्रकाश ग्रंथ है, इसके नौवें स्थल में नौ गाथाएं हैं, भेदाभेद रत्नत्रय का स्वरूप बताने वाली। इसमें अपनी 74 गाथा हो गई, तो कितनी हो गई, 67 से 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 8 हो गई ना, एक गाथा बाकी है ना। देखो पेज नंबर 108, उसका उपोद्घात, 75 गाथा का उपोद्घात। आगे निश्चय नय की अपेक्षा 8 कर्म और सब दोषों से रहित, क्या कहते हैं, 8 कर्म और सब दोष से रहित सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मई आत्मा को तुम जानो। अभी सोच रहे होंगे सर्व दोष रहित और 8 कर्म रहित तो सिद्ध भगवान है ना, पर ये 8 कर्म रहित और सर्व दोष रहित तो होते हैं, यहाँ कहते हैं ये है माने है, और होते में क्या है फर्क, क्या है में त्रिकाल है, ये स्वभाव की बात है, और होते में है वो पर्याय की बात है, समझ में आया। इसलिए देखो क्या कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मई आत्मा, स्वभावी आत्मा को तुम जानो, ऐसा कहते हैं गाथा। अट्ठ कम बाहिरौ शैलह दोष चतु दंशन नान चरितमौ अपाभानी निरुतु है आ। रत्नत्रय का विषय चल रहा है ना, देखो 8 कर्मों से भिन्न संपूर्ण दोषों से रहित दर्शन ज्ञान चरित्र में निश्चित आत्मा की भावना करो। भावना माने देखो, अभी यहां इस ग्रंथ में 3 शब्द बहुत आएंगे,
चिंतन बहुत आएगा, भावना बहुत आएगा, अनुभव बहुत आएगा, तीनों एकार्थवाची है। किसके? एकाग्रता के, एकाग्रता के। एकाग्रता का अर्थ ही चिंतन, एकाग्रता का अर्थ यहाँ लिया है जो भावना, एकाग्रता, अनुभव, ये सब एक अर्थवाची है। देखो, आठों कर्मों से भिन्न, संपूर्ण दोषों से रहित, दर्शन ज्ञान चरित्र में निश्चित आत्मा की भावना करो। नियमसार में भावना का अर्थ एकाग्रता लिया था नियमसार में। अब देखो टीकार्थ, शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा। अब जब भी शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा कहे तो क्या समझना, एकदम एकदम जिनको नयों का स्वरूप ख्याल है उनके ज्ञान में सारी बातें गौण होकर ज्ञान का विषय त्रिकाली शुद्धात्मा बन जाता। अरे देखो, नए जानने से कैसा फायदा, क्या क्या गौण करे ये ख्याल नहीं आता है कि मैं पर्याय नहीं देखूं, कि शरीर नहीं देखूं, कि कर्म नहीं देखूं, कि राग नहीं देखूं, कुछ दिखता नहीं। क्योंकि जब नयों का स्वरूप निर्णय किया था तब ये बात निर्णय हो गई थी कि निश्चय नहीं की बात होगी, त्रिकाली शुद्धात्मा ही दिखेगा। बस शुद्ध ने लिखा है, शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से रहित, मिथ्यात्व रागादि सब विकारों। अभी देखो, मिथ्यात्व और रागादि में क्या क्या आया, पूरा मोह से संबंधित विकार आ गया। पर तो वो तीन घाती कर्म और भी है ना, उनकी तो बात की नहीं। देखो, उसके भी कारण है कि सबसे पहले ये विकार जाता है, सबसे पहले ये विकार जाता है। दूसरा, वो जो तीन के संबंधी विकार हैं वो बंद के कारण नहीं है। पद्मी देखो, मोक्षमा प्रकाशक के दूसरे अधिकार में ये बात आ गई है, एक मोहनी का तो ये लिखा है, पहले जाता है, दूसरा दूसरे कोई बंद नहीं करते हैं, बंद का कारण एक यही है। आया समझ में? मोहनी कर्म, और इसी की निर्मलता से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। अन्य किसी भी कर्म का भी अभाव नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है बाकी सात कर्मों में, इसी कर्म के अभाव से। अभी ये आध्यात्मिक भाषा है ना, तो अभाव कहते हैं कि माने दर्शन मोह के उदय अभाव से ये धर्म की शुरुआत होती है। ऐसे ये विकार कहे तो ये मात्र विकार यही है जिससे कर्म का बंधन हो, वो विकार ही विकार है, वो अल्पता रूप है। तो ये विकार है वास्तव में असली, इसी विकार का सबसे पहले नाश होता है, क्योंकि बंद करने वाला तो यही है। और वास्तव में देखा जाए, अभी कहा ना जैसा, कि इसकी निर्मलता हुए बिना किसी भी जीव को मोक्ष मार्ग शरीर नहीं होता, किसी भी गुण में निर्मलता का प्रारंभ नहीं होता है। इसलिए अब ये बातें आप बहुत सारी कह रहे हैं, पर अपने जब कोई कहता है ना तो अपने को सब ख्याल में आ जाता है। पर कब आता है, जब कोई कहता है तो, पर अपने आप ख्याल में आए तो चिंतन में आए और भेद विज्ञान चले। अपने आप ख्याल में तो कमाना और खाने की बात आती है, वो बिना किसी के बताए आती है, इसलिए उसका चिंतन चलता है। है कि नहीं समझ में? बोलो जय कुमार जी, किसी को याद दिलाना पड़ता है? कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ दे, हाँ बराबर है, ये तो सब बात पता है, सब बात पता है। पर ये पता का क्या करोगे तुम, इस बात का पता है तो किसी काम का पता नहीं है ये। हाँ ऐसा ही है। वो निसर्गज है, ये अधिगमज है। देखो, अधिगमजी हो जाए तो बैठे हैं ना ये, यहाँ तो योगेंद्र देव, तो करना फिर अधिगमजी करना है तो। देखो,
शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से रहित आत्मा में कितने कर्म हैं? तकाल शुद्ध आत्मा में एक भी नहीं, एक परमाणु नहीं है जिसमें। अरे परमाणु तो अभी राग इसकी बात है, इसकी पर्याय में विकार का भी अत्यंत अभाव है, गजब है। देखो आत्म स्वभाव में जो आत्म स्वभाव को भूलने पर जो विकार होता है, वो जिसको भूलकर विकार होता है, विकार उसमें प्रवेश नहीं करता है। किसमें? अवध है, अवध स्पष्ट है ना, आज सुना कि नहीं? आज ये वास्तव में एक एक बात बहुत चिंतन करके और इस स्वरूप का निर्णय करना ये मनुष्य भव का कर्तव्य है। बस प्रथम जी, बाकी कल सुबह भी कहा था, बाकी धर्म के नाम से संसार समुद्र में गहरे में बैठना है। करो भले ही, अभी कितनी बार कह दिया है कि अनंत वार 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान हुआ, अनंत वार तेरे द्रवलिंग का धारण हुआ, तो जो दो चीजों का ही आग्रह इसको अटकाने वाला है, एक तो क्षयक्षम और दूसरा मंदकषाय, वो तूने उत्कृष्ट जो मिथ्या दृष्टि कर सकता है वो अनंत अनंत वार की। तदपि कछु हात हजो न प्रयो, अब क्यों न विचारत है मन में, कछु और रहा उन साधन से। उन जो जितने तू साधन करता है उसमें संतोष धारण करेगा तो तूने अनंत वार किए हैं, एक एक मर जाएगा, है समझ में? इसलिए जो कम से कम किनारे आते जा रहे हैं, किनारे माने कौन से हैं? ये अरे एज काय का है, मनुष्य भव के ट्रांसफर के लिए जिनके ऑर्डर आने वाला है उनको तो बहुत जागृत रहना चाहिए। पुरुषार्थ थोड़ा भी करे वो स्वानुभव के लक्ष्य से शुद्धात्मा के स्वरूप का निर्णय करने का होना चाहिए। चयोपम भवेशम कुछ बढ़ाने की कुछ जरूरत नहीं है, जो चीज है उसका भाव वासन कैसे हो, बस है समझ में। देखो अभी तो ये कहा कि ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से रहित, अब फिर मिथ्यात्व रागादि सब विकार से, इसमें अभी अपन ने बात की कि ये दो ही क्यों लिए, मिथ्यात्व और रागादि, हाँ रहित। अब देखो शुद्धोप योग के साथ रहने वाले अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में निश्चित आत्मा का चिंतन करो। देखो कितनी बात की इसमें, शुद्धोप योग के साथ में रहने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में। अभी देखो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये पर्याय नहीं लेना, क्योंकि शुद्धोपयोग पर्याय ले लिया है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में निश्चित आत्मा माने उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र स्वाभावी आत्मा, उसमें निश्चित आत्मा, वो स्वाभावी आत्मा, ऐसे आत्मा के साथ रहने वाला शुद्धोपयोग है। ये आत्मा अगर किसी के साथ रहता है तो जो पर्याय इसका अनुभव करती है उनके साथ रहता है, तो शुद्धोपयोग की पर्याय आत्मा का अनुभव करने वाली है। यहाँ रागादि के साथ आत्मा नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा? वो भी तो पर्याय है, शुद्धोपयोग भी पर्याय है, पर शुद्धोपयोग की पर्याय के साथ रहता है आत्मा, रागादि पर्याय से तो दूर भागता है आत्मा। देखो क्या गजब के एक योगेंद्र देव के वचन, अभी परसों भी बहुत सूक्ष्म बात आई थी और ये भी बहुत सूक्ष्म बात है। देखो शुद्धोपयोग के साथ रहने वाले, अशुद्धोपयोग तो है पर्याय, और यो रहने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में निश्चित किया आत्मा, माने दर्शन ज्ञान चरित्र स्वभावी आत्मा वो किसके साथ है कि शुद्धोपयोग के साथ है, रागादि के साथ नहीं लिखा है। पदम जी
है सूक्ष्मता जरा पकड़ने की। रागादि के साथ नहीं लिखा है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ में नहीं लिखा है, शुद्धोपयोग के साथ है वो। शुद्धोपयोग जहां है वहां आत्मा है, एका साथ में है ना आत्मा का, ऐसे आत्मा का जो शुद्धोपयोग के साथ है ऐसे आत्मा का चिंतन करो, ये राग वाले आत्मा का चिंतन मत करो। है समझ में? चलो नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, देखे सुने अनुभवे, कहाँ आया? चौथी गाथा है, सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा। ऐसे देखे सुने अनुभवे भोगों की अभिलाषा रूप सब विभाव परिणाम। देखो क्या विभाव की भी विशेषण के दिए, देखे सुने अनुभवे भोगों की अभिलाषा, इसको कहते ये सब विभाव परिणाम। विभाव परिणामों को छोड़कर निज स्वरूप का ध्यान करो। कौन सा निज स्वरूप का? कहा ऊपर कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र मय है और शुद्धोपयोग के साथ है। दर्शन ज्ञान चारित्र मय है, शुद्धोपयोग में नहीं लिखा, क्योंकि शुद्धोपयोग की पर्याय तो प्रकट होती है, मय स्वभाव के साथ है। है समझ में? सब विभाव परिणामों को छोड़कर निज स्वरूप का ध्यान करो, अपने शुद्ध स्वरूप का ध्यान। अब ध्यान करो का अर्थ अनुभव करो लेना, क्योंकि अध्यात्म ग्रंथ में मूल चीज तो अनुभव ही है, और अनुभव का अर्थ वैसे तो ज्ञान की पर्याय आता है, पर उस ज्ञान की पर्याय में सारे गुणों की निर्मल पर्याय गर्भित होती है। एक अनुभव की पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सब निर्मलता गर्भित है, सब गुणों की निर्मलता गर्भित है। ध्यान करो, यहां उपादेय भूत अतीन्द्रिय निर्वाण सुख से तन्मय और समस्त भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म से पृथक। देखो क्या कहा, अस्ति और नास्ति दोनों का। अतीन्द्रिय निर्वाण सुख से तन्मय माने जिसकी जो पर्याय उसकी तरफ जाती है, उसमें डूबती है, तन्मय होती है, उन पर्यायों का नाम अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद है। जो दूर रहती है उनका नहीं है, उनका नाम तो अनंत दुख है। तो तन्मय होती है वो, देखो अतीन्द्रिय निर्वाण सुख से तन्मय और समस्त भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म से भिन्न पृथक जो शुद्ध आत्मा है। ऐसा शुद्ध आत्मा कब है? एक एक अभी संसार दशा में इनसे ही है और एक मोक्ष में इनसे रहित है। तो बताओ कौन सा आत्मा माने हम, यहां वाला कि वहां वाला है? तो अभी तो कहा ना कि ये यहां तो राग द्वेष वाला है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र वाला है। ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र या अतीन्द्रिय आनंद और सुख मोक्ष सुख, ये सब नाश होने वाली और प्रकट होने वाली चीजें हैं। नाश होने वाली और प्रकट होने वाली चीजें हैं। जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो कभी प्रकट नहीं होता है, उसकी बात है। ऐ समझ में? जिसका नाश नहीं होता है, ऐ समझ में? पांच बोलों में है ना सब बात। देखो द्रव्य कर्म नव कर्म से पृथक जो शुद्धात्मा है, वही अभेद रत्नत्रय को धारण करने वाले। तो अभेद रत्नत्रय का धारण कैसे होते हैं? कि उस शुद्धात्मा का जब निर्णय होता है कि ये द्रव्य कर्म भाव कर्म नव कर्म से रहित है, ऐसे आत्मा का जब निर्णय होता है तब तो उसका परिणमन रत्नत्रय रूप होता है। क्योंकि ये भेदाभेद रत्नत्रय की प्रकरण की अंतिम गाथा है, ये है ना नौवीं गाथा है ना ये। हाँ, अभेद रत्नत्रय को धारण करने वाले भव्यों को ऐसा आत्मा उपादेय है। ऐसा जब आत्मा उपादेय होता है तो कैसे पता लगे कि हमको उपादेय है? कि उसकी परिणति में रत्नत्रय हो जाता है,
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन हो जाता है तो पता लग गया कि इसको आत्मा उपादेय हो गया है, भव्यों को उपादेय है, ऐसा तात्पर्य हुआ। ऐसा इस अंतिम गाथा की प्रकरण की अंतिम गाथा का तात्पर्य है। अब कहते हैं देखो, इस प्रकार तीन प्रकार के, तीन प्रकार आत्मा के कहने वाला ये अधिकार है। तीन प्रकार के आत्मा कहे कि नहीं, वाह वो तो ये पूरा अधिकार है। ये उस कहने वाले प्रथम महाधिकार में पृथक पृथक स्वतंत्र भेद भावना के स्थल में नौ दोहा सूत गए। भेद भावना का अर्थ देखो, स्वतंत्र भेद भावना के स्थल, भेद से क्या कहा कि रत्नत्रय का ना तीन, अभेद भी तीन, अभेद तीन का एक, भेद तीन, ऐसे भेद भावना के स्थल में नौ दोहा सूत्र कहे। इस प्रकार पहले अधिकार का नौवा स्थल पूरा हुआ और नौ स्थल में गाथा हुई 75, है 75 हुई ना, हाँ 75। 76 गाथा से अगला स्थल शुरू होगा।